सो डिजिटल मार्केटिंग का लाइव बैच जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाहे फिर आप हमारे साथ ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जोधपुर के अंदर आके हमारे इंस्टीट्यूट पे आके आप जो है ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या वो सारी डिटेल्स कैसे कवर अप रहेंगी वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका ड्यूरेशन वगैरह क्या रहने वाला है हर डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली इसके अंदर 25+ मॉड्यूल्स जो है हम कवर अप करने वाले हैं, और ये जो बैच है वो आपका 2 जुलाई से जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और जिसका ड्यूरेशन जो है वो रहने वाला है ऑलमोस्ट 4 to 5 months जो है वो आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हमारे साथ में जो है आप अपना जो डिजिटल मार्केटिंग की जो जर्नी है, करियर है, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसमें कई सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो पहला जो सवाल आता है कि हमारे लिए कोई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपका बिल्कुल अगर बात करें कि कोई टेक्निकल आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर आपको वेबसाइट्स के बारे में क्या होती है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप ऑपरेट करना आना चाहिए, इतना ही रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। सो बेसिकली ये जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो ये आपका बेसिक टू एडवांस लेवल का जाने वाला है, बिकॉज 4-5 महीने के अंदर हम बहुत सारा जो है यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। और इसके अंदर जो है स्पेशल ऑफर जो है वो आपको दिया जा रहा है। अगर आप जो है फर्दर ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके पास में कोई सवाल है, एनरोल करना है, तो आप डायरेक्टली ये जो बटन दिया गया है इस पे क्लिक करके जो है आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर जो है वैसे इसकी पूरे बैच की डिटेल की यहाँ पे बात करें तो ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे 4 month लिखा है, लेकिन 4 का 5 भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको जो है पहले से तैयार रहना है। और आपका एक दिन के अंदर 2 घंटे रहेंगे और हफ्ते में 3 दिन ही क्लास होंगी, और क्लास के जो डेज हैं वो आपको जो है बता दिए जाएंगे, लाइक आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन जो है आपकी क्लासेस होंगी। तो क्लासेस में भी आपको जो है टाइम अगर मॉर्निंग में करना है तो आप मॉर्निंग में ज्वाइन कीजिए, जिसका टाइमिंग जो है 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। अगर आपको वो टाइमिंग नहीं सूट कर रहा तो आप इवनिंग टाइम को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 5 to 7 रहने वाला है। तो 2-2 घंटे करके आप जो है आप अगर मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है तो मॉर्निंग में ज्वाइन करें, इवनिंग में टाइम मिल रहा है तो इवनिंग में ज्वाइन करें, बिकॉज ये दोनों ही जो बैच है वो पैरेलली रन करने वाला है, चाहे वो मॉर्निंग का हो या फिर इवनिंग का हो। तो ये जो है आपका यहाँ पे लिखा गया 9 AM टू जो है 10 AM लिखा हुआ है, आई थिंक टाइपो मिस्टेक है, 11 AM रहेगा, और इवनिंग का जो टाइमिंग है वो मैंने आपको 5 to 7 बता दिया है। सो बेसिकली इस कोर्स की जो फीस की बात करें वैसे तो 48,000 हम चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्पेशल बैच के लिए जो है हमने यहाँ पे सिर्फ 18,000 रुपए जो है रखे हैं, जो कि आपको 50% आपको पहले एडवांस देना होता है और बाकी का जो 50% है यानी कि 9,000 जो बाकी के बचे हुए हैं वो आप 30 डेज के बाद में दे सकते हैं जब आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट सिर्फ 29th of June तक जो है अगर आप एनरोल करते हैं तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज जो है आपको पूरा का पूरा जो 48,000 है वही एप्लीकेबल होगा। अगर आप ये बैच कभी मिस कर जाते हैं तो नेक्स्ट बैच का डेट भी यहां पे दिया गया, जो कि 23rd of July से स्टार्ट होगा, जिसका टाइमिंग जो है वो इवनिंग में ही रहेगा, 5 to 7 वाला टाइमिंग रहेगा, या फिर उसको टाइमिंग को अभी देखेंगे, अगर क्लैश करेगा तो डेफिनेटली थोड़ा आगे पीछे कुछ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आगे पीछे नहीं, बेसिकली यहाँ पे जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होगा तो वहां पर जो है आपका मंडे, ट्यूसडे या वेनसडे जो है वो आपका होने वाला, इस तरीके आपका क्लास रहेगा। अगर आप 23rd July के बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको 15,000 के अंदर ही आप जो है अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सारी डिटेल हमने यहाँ पे देखे कि क्या आप सीखने वाले हैं। तो पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्यों आपको करना चाहिए, क्या फीचर्स वगैरह है, एंड लॉट ऑफ अदर फंडामेंटल्स जो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। उसके बाद में डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग को एकदम से एडवांस लेवल पे नहीं ले जाया जा सकता, उससे पहले हमें जो है वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, वेबसाइट्स होती क्या है, डोमेन्स क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, और डोमेन का रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है वगैरह वगैरह, होस्टिंग खरीदते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, तो काफी सारी चीजें होती है इसमें भी करने के लिए, और वो भी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। देन उसके बाद में हम जो है
वेबसाइट बनाने भी आनी चाहिए आपको, बिकॉज वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पे पूरा वर्डप्रेस का जो है इस्तेमाल करेंगे, और वर्डप्रेस में विदाउट एनी कोडिंग ही हम बहुत अच्छी जो वेबसाइट्स हैं, जैसे आप अभी ये पेज देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा वर्डप्रेस पे ही बना हुआ है। और यू कैन सी यहाँ पे हमने कोई एनिमेशन या बहुत कुछ हाईलाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सोबर रखा हुआ है। लेकिन आप चाहें तो इसमें एनिमेशन वगैरह डालने हैं तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बटन पे कर रहा हूं तो यू कैन सी यहाँ पे कुछ जो है एनिमेशन हो रहे हैं, कलर जो है वो फॉन्ट का चेंज होता है। तो ऐसे कई सारे एनिमेशन होते हैं जो आप इसमें भी लगा सकते हैं। उसके बाद में जो है डेफिनेटली एक वेबसाइट जो है बिना ग्राफिक्स के बनती नहीं है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कैनवा का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ जो है लोगो डिजाइनिंग करने होते हैं और कई सारी चीजें और भी हमें इंप्लीमेंट करनी होती है ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है फोटोशॉप का भी हम यहाँ पे बीच में कवरअप करेंगे। फोटोशॉप में किस तरीके से जो है आप अपने लोगो बना सकते हैं या कुछ इमेजेस हैं उसके साथ में कैसे काम कर सकते हैं, तो ये जो आपका कैनवा और प्लस फोटोशॉप है, ये आपका जो है हमारे दूसरे ट्रेनर है जो कि जिनका नाम है मनीष सिंह, वो आपको पढ़ाने वाले हैं वर्डप्रेस डोमेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देन आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो है आपकी एक डिफरेंट ट्रेनर है जिसका नाम है अभिलाषा, तो अभिलाषा भाटिया जो है वो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पूरा पढ़ाने वाली है। देन उसके बाद में जो है थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे, तो जिसको हम यहाँ पे लेंगे गूगल का जो है लोकल एसईओ कैसे होता है, ऑन पेज एसईओ, क्योंकि जो हमने वेबसाइट बनाई है उसका एसईओ भी करना आना चाहिए, तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, और जब भी हम कोई भी ब्लॉग लिखते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट। तो कंटेंट जो है वो किस तरीके से, अगर आपको हर किसी को कंटेंट जो है वो लिखना नहीं आता है, कंटेंट की स्किल्स नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करना होता है और ये एक इजी टू रीडेबल होना चाहिए किसी भी यूजर के लिए, वो किस तरीके से कंटेंट जो है वो आपका लिखा जाता है, किस तरीके से आप एक छोटे से टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा कंटेंट जो उसके बारे में जनरेट कर सकते हैं, वो हम कंटेंट राइटिंग के अंदर जो है पूरा कवरअप करने वाले हैं। फिर आपका आता है लैंडिंग पेज फॉर लीड जनरेशन, तो डेफिनेटली अगर आप किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा पेज जो कि डेडिकेटेड पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए हो, तो ऐसे में लैंडिंग पेज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लैंडिंग पेजेस के डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से लिखना रखना होता है, वो सब चीजें जो है हम यहाँ पे कवरअप करेंगे, और जो भी टूल्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा सारे के सारे टूल्स जो है वो फ्री वाले होंगे, यानी कि फ्री के अंदर किस तरीके से हम डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। पेड वैसे तो बहुत सारे पेड टूल्स भी अवेलेबल है, अगर आप उनको भी यूज करना चाहते हैं उनके बारे में भी पूरा कवरअप किया जाएगा, आप जो है उनके पेड में जाना चाहते हैं पेड पे जाएं, लेकिन फ्री में आप बना सकते हैं बहुत सारी बेहतरीन चीजें, तो पेड में जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद में गूगल का सर्च कंसोल क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर वेबसाइट्स वगैरह का सबमिशंस वगैरह, फिर आपका गूगल एनालिटिक की बात करें, GA4 की बात करें, तो डेफिनेटली वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन गूगल का माई बिजनेस जो है लिस्टिंग है वो किस तरीके से करी जाती है, उसको किस तरीके से मैनेज मॉनिटर करना होता है, प्रमोट करना होता है, ताकि हम जो है गूगल के नंबर वन पेज पे रैंक कर सकें। फिर उसके बाद में गूगल पेड की बात करें तो गूगल एड्स में हम जो है सर्च गूगल की एड्स वगैरह कैसे क्रिएट करी जाती हैं, कैंपेन्स वगैरह कैसे क्रिएट करे जाते हैं, वीडियो एड्स वगैरह कैसे रन करी जाती हैं, डिस्प्ले एड्स हो गई है, शॉपिंग एड्स हो गई है, ये कैसे काम करती है। देन लोगो डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आजकल वैसे तो टाइम टू टाइम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिजाइनिंग का वो डिफरेंट होता चला जाता है, लेकिन आपको ट्रेंड के साथ में कैसे लोगों को डिजाइन करना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे और थोड़ा सा किसी भी कंपनी की आइडेंटिटी बन जाए, वो कैसे डिजाइन करते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे कवरअप करेंगे। देन अगेन जो है आपको थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं, डेफिनेटली थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, तो यहाँ पे HTML और CSS और JavaScript भी यहाँ पे कवरअप रहने वाला है। देन उसके बाद में गूगल के अंदर रीमार्केटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वगैरह क्या होती है, गूगल टैग कैसे काम करता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग आपकी जो है एडसेंस गूगल का कैसे एनेबल वगैरह किया जाता है मोनेटाइजेशन वगैरह के लिए, वो हम यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर कवरअप करने वाले हैं।
एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे बेनिफिट हो सकता है, कैसे प्रमोट करना चाहिए ताकि जो है आपके कुछ लोग परचेस भी करें, वो सब चीजें हम यहाँ पे करेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में करेंगे बात। देन ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, फेसबुक एड्स हो गई, इंस्टाग्राम एड्स हो गई, तो ये काफी बहुत बड़ा एक सिलेबस हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लेने वाले हैं, जो कि बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। एंड फाइनली ये जितना भी हमने नॉलेज लिया है उसको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कैसे यूज करें सो दैट कि हम आगे बढ़ सकें। अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली हर मॉड्यूल के लिए आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे और वो असाइनमेंट्स भी आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसके बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप बात करें किस किस तरह की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप SEO स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, कॉन्टेंट राइटर बन सकते हैं, PPC मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, वेब डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर के लिए बता दूं, यहां पे जो आपका फोटोशॉप कवर होगा अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली एक छोटी सी एडिशनल फी पे करके आप कंप्लीट फोटोशॉप का जो कोर्स होता है ग्राफिक का वो भी कर सकते हैं। देन यूट्यूब मैनेजर के रूप में आप अपना एज अ फ्रीलांसर जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में इंटर्नशिप की बात करें तो आप हमारे साथ में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जो कि 6 मंथ की रहेगी, जो कि फ्री रहने वाली है। लेकिन हर कोई एलिजिबल नहीं होता है। बेसिकली कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उस इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो डेफिनेटली आप जो है हमारी साथ में हमारे एजेंसी के साथ में जो है एज अ इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं और अपना इंटर्नशिप का जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर इस इंटर्नशिप का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, बिकॉज आपने सीखा भी हमसे है, लेकिन जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो डेफिनेटली आप हमारे जो क्लाइंट्स के साथ में डील कैसे होती है, कैसे क्लाइंट से बात करी जाती है, कैसे नेगोशिएशंस होते हैं, कैसे उनके प्रोजेक्ट्स को समझा जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है और उसको फुलफिल कैसे किया जाता है, कैसे उस पर काम किया जाता है, क्या प्रोसेस वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। आपको डेफिनेटली क्योंकि लाइव क्लासेस हैं तो डेफिनेटली डाउट भी आपको वहीं पे देन एंड देयर सॉल्व कर सकते हैं और जो है लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर में भी आपको काम करने को मिलेगा। और जितना भी हमारी क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स होंगी और रिकॉर्डिंग्स जो है आपको 1 ईयर के लिए एक्सेस मिलेंगी और उसके बाद में अगर आप उनको रिन्यू करना चाहते हैं तो आप विद इन 1 ईयर जो है आगे कवरअप कर सकते हैं। तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको जो है पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको इशू किया जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, वैसे तो बहुत सारे रिव्यूज हैं लेकिन फिर भी आप इनमें से कोई भी रिव्यूज देख सकते हैं जस्ट फॉर दी इन्फॉर्मेशन आपको लगा है। वैसे तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, वैसे हमने सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने की यहाँ पे FAQ के अंदर कोशिश करी है, चाहे फिर वो जनरल क्वेश्चंस हो या फिर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर जो है आपका सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप हमारा कोर्स पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हैं, आप जो है आपकी अटेंडेंस क्लास के अंदर बहुत अच्छी है और उसके बाद में आपने जो असाइनमेंट्स दिए हैं वो भी टाइमली आपने सबमिट करें, बहुत अच्छे से मेहनत करी है और आप जो है आगे का जो एग्जाम, हाँ एग्जाम का कोई आपको फी नहीं पे करनी है, हालांकि यहाँ पे लिखा गया है फी के लिए आपको 1999 पे करने होंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपका जो एग्जाम है वो फ्री रहेगा आपको, लेकिन एग्जाम देना मैंडेटरी है। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, फिर अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही तो आप चाहते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट भी करवाएं तो डेफिनेटली प्लेसमेंट असिस्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। हर किसी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारे फॉलो करें, हम बहुत अच्छे से कोर्स में काम किया है तो डेफिनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको हम प्लेसमेंट करवाएं। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए, तो डेफिनेटली एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है और छोटे से छोटा स्टार्टअप या फिर बड़े से बड़े जो ब्रांड्स हैं वो अपनी सर्विस या फिर जो अपने प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करते हैं, उसके लिए जो है डिजिटल मार्केटर आज की डेट की अगर हम इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अभी कम डिजिटल मार्केटर अवेलेबल है, यानी कि एक्सपर्ट लेवल के डिजिटल मार्केटर बहुत कम है, तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है।
तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दिया गया है क्लिक टू एनरोल, आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं और आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे एक नेक्स्ट पेज के ऊपर में। अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल सबमिट कर दें अपनी। अगर आप डायरेक्टली एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एनरोल नाउ बटन पे क्लिक करके, जहां पर आपको मात्र 2000 रुपए एज एडवांस आप पे करके अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप 2000 भी पे कर देते हैं तो 29th of June से पहले पहले तो आपको जो है यहाँ पे जो स्पेशल बेनिफिट दिया जा रहा है फीस का 18,000 का, वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जब कोर्स स्टार्ट होगा उससे पहले का आपको जो पहला 50% है यानी कि 9,000 रुपीज है वो आपको पूरे पे करने होंगे। यानी कि 2000 अगर आप एडवांस कर देते हैं तो 7,000 पे करके आप अपनी कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 डेज आपको जो बैलेंस 9,000 है वो भी आपको पे करना होता है। तो ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का पेड कोर्स है, तो डेफिनेटली उसकी अनाउंसमेंट हमने आपको कर दी है। अगर आप इससे और भी कोई सवाल है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से जो है वो बात कर सकते हैं, और आपको ये लिंक इस पेज के ऊपर में आने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप जो है हमारे इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे सारी जानकारी आपको जो है लिख के दी गई, आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली काउंसलर के लिए भी आप बुक कर सकते हैं।